हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग फॉरेस्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। मींस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, देन एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट किया था। सो इन दिस लेक्चर वी विल डू फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट करेंगे, सो एंजॉयमेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और नोट करते रहना है, हिट द लाइक बटन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको और अपडेट्स मिल सके हमारी। सो लेट्स मूव। फॉरेस्ट प्रोडक्ट वुड। वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज इन फॉरेस्ट इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड एज अ फ्यूल। वुड क्या है? वुड ये है, सी दिस इज द वुड। वुड कहाँ से ऑब्टेन होता है? ट्रीज से ऑब्टेन होता है। फॉरेस्ट, यस फॉरेस्ट, ट्रीज होता। सो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्नीचर बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है। अच्छा, आपको पता है पेपर कैसे बनता है? पेपर बहुत ईजी बनाना है, पर इतना भी ईजी नहीं है। ये जो आप कहोगे वुड्स गोल गोल हैं, हमारे पेपर इतने थिन होते हैं, पेपर कैसे बनेगा? इनको बहुत पतला पतला काट काट के, उसको रख रख के, उसमें रबर वगैरह डाल डाल के, पूरा इतनी मेहनत से पेपर बनता है। सो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड टू सेव इट। और ये फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है। नाउ मेडिसिन स्पाइसेस। सेवरल मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। मेडिकल प्लांट लाइक आंवला, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी ग्रो इन फॉरेस्ट। सम स्पाइसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। जो बहुत सेवरल मेडिसिन, बहुत सारी ही मेडिसिन फॉरेस्ट से ऑब्टेन होती हैं, जो जैसे आंवला हो गया, आंवला बहुत अच्छा होता है, सी दिस इज द आंवला। अश्वगंधा हो गया, ये है अश्वगंधा। देन ब्राह्मी हो गया, देन ये, और बहुत सारे स्पाइसेस हैं, सी दिस इज द स्पाइसेस। कितने सारे स्पाइसेस होते हैं, ठीक है, वो स्पाइसेस ये भी फॉरेस्ट से होते हैं ऑब्टेन। Now, gums, resins and dye. Gums are used for making adhesives and medicine. Some variety of gums are used as food. बहुत सारे gums जो होते हैं वो medicine बनाने में use होते हैं। कुछ variety gum के खाने में भी use होते हैं। See, this is the gum. I mean, यहाँ पे gum की picture नहीं है, gum होता है। And many resins are used to मेक वार्निशेस इन पे। ये जो आपको गोल्डन कलर दिख रहा है, गोल्डन कलर के ब्लॉक ब्लॉक, ये रेसिन्स हैं। ये रेसिन्स वार्निशेस करने में या पेंट करने में मदद करते हैं। एक्चुअली अगर इन्हें, इन रेसिन्स को दीवार पे पेंट किया जाए, तो ऐसा लगेगा अभी एकदम न्यू न्यू दीवार है और चमकती हुई दीवार होगी। इन्हें वुड्स पे भी किया जाता है पेंट, ताकि वुड्स अच्छी दिखे। पेंट में भी मिलाया गया जाता है, जैसे पेंट में मिला दिया देन पेंट किया, ऐसे मैनी यस Many dye used to color cloth and paper are also obtained from forest. See, ये dye है, इसी को उस पर रगड़ रगड़ के paper को बनाया, color किया जाता है। और clothes जो आपके होते हैं colorful, ये भी उन्हीं की वजह से होते हैं, ये forest ही obtain होता है। Now, special leaf. Erica nut leaf are used to make disposal plate. The new leaf is also green गोल्ड ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा की स्पेलिंग गलत है, कुछ और है, उड़ीसा। द लीफ ऑफ तेंदू आर यूज फॉर रैपिंग पर्पस। ये जो हमारी एरिका नट लीफ होती है, ये डिस्पोजल प्लेट बनाने में यूज होती है, और इन्हें ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। जो हमारे तेंदू लीफ है, सी ए की तेंदू लीफ है, इन्हें रैपिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हनी। लार्ज बीहाइव आर फाउंड इन फॉरेस्ट डैट आर यूज फॉर एट्रैक्शन ऑफ हनी। बीस वैक्स इज यूज इन कस्टमेटिक एंड मेडिसिन। ये हमारा, ये जो है ना हनी, ये बहुत बड़ा बीहाइव होता है, मीन्स ऐसा कुछ कॉम जैसा बीहाइव होता है, इसमें से हनी निकालते हैं। एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे हनी बीज होती हैं वो अपना बनाती हैं ये बिहाइव, और उसके बाद वो अलग अलग
फ्लावर्स पे जाती हैं, फूल पे जाती हैं और उनका जो जूस होता है उसे चूस लेती हैं और आके ये जो कॉम्स है ना, ये देखिए इसके अंदर इनका मुंह है, उसमें डाल देती हैं। ऐसी जब वो सारे बन जाते हैं तो जो हमारे हनी मेकर्स होते हैं वो जाते हैं उसके नीचे फायर जला देते हैं। सारी हनी भाग जाती हैं, उसके बाद वो हनी कलेक्ट कर लेते हैं और वही हनी हम खाते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि इसके बाद पढ़ने के बाद आप हनी खाना छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खा रहे हैं तो आप खाइए। बैम्बू, अब दिस प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग बास्केट, ब्रिजेस, बकेट, क्लोथ, फर्नीचर, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रॉड, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेपर, टॉय, अम्ब्रेला एंड वॉकिंग स्टिक। इट इज ऑल्सो यूज एज फूड। इसे फूड खाने की भी तरह खाया जाता है और ये बहुत सारी ही चीज़ों में बनाने में हेल्प करती है। सी, ये आपको जो रॉड रॉड से दिख रही हैं यही बैम्बू हैं। ये बास्केट बनाने में हेल्प करती हैं, ब्रिजेस, बकेट, कपड़े भी बनते हैं, डोंट बी शॉक। फर्नीचर्स होते हैं, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फिशिंग रॉड होती है, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेपर, टॉय, अम्ब्रेला और वॉकिंग स्टिक भी होती है। नाउ स्पेशल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सैंडलवुड, वर्ड लैस एंड रबर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो रबड़ है ना, सी ये रबड़ है, ये ट्रीज को ऐसे काटा है ना, ऐसे काट के इसमें से रबड़ निकलता है, उसी से हम लोग इरेज करते हैं, वही वाला। सो ये भी ट्रीज से ऑब्टेन होता है, रबड़ ट्री से, कुछ इसी तरह के मेथड से होता है। और जो हमारा लैक इंसेक्ट है, आपको याद है हम लोग ने फोर्थ क्लास में पढ़ा था लैक इंसेक्ट के बारे में, जो बहुत यूज़फुल है, उससे लैक प्रोडक्ट बनाते हैं। सो यही है, उससे हम लोग ने पढ़ा था, हम चूड़ियाँ बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं एंड बहुत सारी अब फर्नीचर्स भी बनाते हैं। सो अभी के लिए हम लोगों ने इस वीडियो में ये पढ़ लिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।